वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की जो 8 नवंबर से नोटबंदी का कार्यक्रम संचालन किया है, आतंकवाद काला धन नाम लेते हैं भ्रष्टाचार समाप्त करने का, कांग्रेस पार्टी काला धन भ्रष्टाचार आतंकवाद के समर्थक नहीं है और उनके नोटबंदी एग्जाम का जो एकाएक निर्णय लेकर पूरे देश में 1.25 करोड़ जनता के सामने अहम कठिनाई उपस्थित किया है और खासकर आर्थिक स्थिति एक तरह से हर विकास के काम में अवरोध का एक लगता है कि मजदूर किसान और जो विकास के काम चल रहे थे हमारे समस्या प्रभावित हुआ है। नोटबंदी बेरोजगारी का एक तरह से बढ़ावा दिया है, जहां बेरोजगारी कम होना चाहिए वो बेरोजगारी कम होके बढ़ावा दिया है। ये नोटबंदी हम सफा जिस तरह मानते हैं पूरे देश में एक तरह से असफलता का दौर चल रहा है, क्योंकि असफलता इसलिए है जिस नोटबंदी को लागू किया 2000 लोग लाइन में लगे हैं, 2000 पैसा लेने में कठिनाई जा रही है, वही बैंक डोर 1 करोड़ 80 लाख 50 लाख 20 लाख 200 के नोट 2000 की नोटें गड्डी की गड्डी बैंकों के पीछे से उद्योगपतियों के हाथ में लग रही है। ये इस तरह से जो विषम परिस्थिति आम जनता के सामने आज दौर है और ये पता नहीं कितने संशोधन किए, ऐसा लगता है कि 120 बार इनने संशोधन किया होगा 8 नवंबर और 50 दिन की इस पीरियड में, अब संशोधन अब ठीक हो जाएगा अब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक परिस्थिति ठीक नहीं हुई। ऐसा लगता है कि भविष्य में भी ये नोटबंदी की जो इनका इंतजाम है वो सफल नहीं होगा और उसी बीच में नया दौर पता नहीं, अभी भाषण ऐसा लग रहा था जैसे बजट का भाषण दिए हों 31 दिसंबर की रात्रि को। नरेंद्र मोदी खाली भाषण देने की जो उनकी शैली है, जब कभी बोलते हैं कोई सटीक बात न बोल के घुमाव फिराव की बात ज्यादा करते हैं, इतना लंबा चौड़ा जनधन तमाम सब पता जितने खाते में आए हैं सबके जांच कराएंगे, 50,000 से ज्यादा कैसे चली गई, ये एक तरह से उनका ये काम तमाशा टाइप है और ऐसा धन निकाला जादूगर हमारे प्रदेश में थे शिवराज सिंह, महाजादूगर नरेंद्र मोदी हो गए, जो धन हम और आप ये नहीं समझ पाए शादी और ब्याह के समय में भी घर की पत्नियां औरतें हैं कि हमारे पास कितना पैसा वो नहीं बता पाती थी, संकट के समय रखा करती, लेकिन ये महाजादूगर नरेंद्र मोदी ने सब निकलवा लिया कि हमारे पास ही 500 की नोटें पड़ी हैं, 2000 1000 की नोटें पड़ी हैं, तमाम इस तरह के जो जादूगर का काम किया, मैं समझता हूँ कि इनका जो कारनामा है अच्छा नहीं है और लोग ऐसा लगता है कि आप हमसे खुद पूछेंगे कि इनकी सफलता तो बराबर निरंतर आ रही है जहां जहां चुनाव हो रहे हैं।